ओके गाइस, आज ना फिर से आपके लिए पांच ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन लेके आया हूँ। सो गाइस, सभी एप्लीकेशन को यूज करके ना आप अपने एंड्रॉयड फोन को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे ना ऐसे एक लॉन्चर है जो कि यहाँ पे आप लेटर में यूज कर सकते हो आपके फ़ोन में। सो गाइस, यहाँ पे ना कैरेक्टर में आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च वगैरह कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे ना काफ़ी सारे और भी एप्लीकेशन है जो कि अपना फोटोज़ को काफ़ी हाई क्वालिटी में एक 3D तरीके से स्केच के तरीके से यहाँ से ना आप कन्वर्ट कर पाओगे आपके फ़ोटोज़ को। सो गाइस, यहाँ पे ना और भी एप्लीकेशन मिलने वाले हैं जो आप ना किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आपके डिवाइस में है सो आप ना उसे इजीली कहीं पे भी शॉर्टकट में क्रिएट कर पाओगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस सभी पांच एप्लीकेशन में किस तरीके से हमें कस्टमाइजेशन करने को मिलता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज ना मेरे पास एक प्रोफाइल पिक्चर को मस्त एडिटेबल करने के लिए ना और DP वगैरह लगाने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। सो इसके लिए ना आपको सिंपली से डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में, ये एप्लीकेशन अवेलेबल है प्रोफाइल पिक। सो गाइस, ये एप्लीकेशन ना बहुत ही कमाल का एडिटिंग करके देता है 3D में। सो गाइस, यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो इसके बाद में ना आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ना मेम्बरशिप लेना पड़ता है। सो यहाँ पे ना 3 दिन इसके लिए फ्री ट्रायल देखने को मिल जाता है। सो आप इसे ना ट्राई कर सकते हैं फ्री में। सो गाइस, यहाँ पे ना आपको चूज़ फोटो पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपके जो जितने भी सारे गैलरीज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ना सभी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे ना सिंपली से किसी भी एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके, लाइक यहाँ पे मैं किसी भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके से कस्टमाइजेशन करने को मिलता है, मीन्स इस फ़ोटो को किस तरीके से एडिटेबल करने को देता है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं टिप मतलब 5 तक जाता है। सो इस तरीके से स्कैनिंग होगा, देन यहाँ से ना आपका फ़ोटो बूम रेडी हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ना कैटेगरीज हैं, मींस आप किस तरीके से इसे एडिट करना चाहते हो। सो है ना गाइस, कमाल का। सो गाइस, यहाँ पे ना आप अलग अलग तरीके से इसे चेंज भी कर पाओगे, लाइक यहाँ पे ना काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ एनिमेशंस अलग अलग क्रिएट करने को दिया हुआ है। सो इसी तरीके से ना आपको यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे ना आप जैसे इस पर क्लिक करोगे सेव एंड शेयर पे, सो गाइस यहाँ पे ना सोशल मीडिया के सभी एप्लीकेशंस अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ से आप ना इसे शेयर भी कर सकते हो, स्टोरीज वगैरह लगा सकते हो। सो सिंपली से आप ना इसे चाहो तो कहीं पे भी शेयर कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे ना डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे ना सिंपली यहाँ पे काफ़ी सारे जो फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे जो मैंने इस एप्लीकेशन से जो एडिट किया है, सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना आप एडिट कर पाओगे। सो गाइस, यहाँ पे ना आपको अगर मैं अपने इस अगर आपको गैलरी में जाके दिखा दूँ, सो गाइस यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मस्त एडिटेबल, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त ये एडिट हो जाता है। सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं DPs वगैरह में पिक्चर्स लगाने के लिए। सो गाइस, सेकंड जो एप्लीकेशन है ना वो है टोर ड्राइट। सो गाइस, इस एप्लीकेशन से ना आपको अगर किसी भी फाइल्स या ऑडियो वीडियो को अगर डाउनलोड करना है ना, सो इस एप्लीकेशन की मदद से आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा आपको तामझाम की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे आपको ना इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। सो उसके बाद में ना यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हिस्ट्री या तो फिर सर्च देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे ना आप जैसे अगर आप इस तरीके से यहाँ पे सर्च करते हो, मीन्स आपको जो भी चाहिए ऑडियो या तो फिर वीडियो, उसके बाद में ना यहाँ पे आपको सर्च करना है, देन डोरेट टाइप पे यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑडियो वीडियो एंड ई बुक। सो गाइस, यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे फ्री में सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इसे ना डाउनलोड कर पाओगे। सो गाइस, यहाँ पे ना एग्जांपल मैंने अगर कुछ ऑडियो या तो फिर वीडियो मुझे डाउनलोड करना होगा, सो गाइस यहाँ पे ना आपको सिंपली से वीडियो क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे टोरेंट टाइप पे आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में गाइस यहाँ पे ना आपको सर्च कर देना है। सो यहाँ पे ना जितने भी सारी हाई क्वालिटी की वीडियोस रहेंगे यहाँ पे ना प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। सो आप ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, इस एप्लीकेशन से ना ज़्यादा आपको तामझाम की ज़रूरत नहीं है। सो आप यहाँ से आप इजीली हाई क्वालिटी के वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप ना यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर्स जैसे ई कॉमर्स ई बुक वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे ना लास्ट जो मेरा प्रोसेस है काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है। सो यहाँ पे ना मैं जो इससे पहले जो मैंने सर्च करा था ना वो है बेस्ट वीडियो इन हिंदी। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे जो मुझे वीडियोस है ना वो देखने को मिल गए थे हाई क्वालिटी में। सो आप ना इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी से। यहाँ पे ना प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज टोरेंट कर सकते हो, ऐड टोरेंट एंड ऐड लिंक वगैरह आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो।
सो इस तरीके से ना इस एप्लीकेशन से ज़्यादा आपको तामझाम की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। सो डाउनलोड वगैरह करते हो ना सो एक बार ट्राई ज़रूर से कर सकते हैं। सो ओके गाइस, आपके जो डिवाइस में ना आप अगर नॉर्मल लॉन्चर यूज कर रहे हो घिसी पिटे या तो फिर कह लो कुछ इस तरीके से, सो गाइस इस एप्लीकेशन को ना आपको ट्राई जरूर से करना चाहिए क्योंकि इस एप्लीकेशन का नाम है लेटर लॉन्चर। सो गाइस यहाँ पे ना जैसे ही इस लॉन्च करोगे इस एप्लीकेशन को तो यहाँ पे जो भी लॉन्चर्स है ना वो यहाँ पे आपको कैरेक्टर एंड कह लो लेटर में देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे आपको ना इसे यूज करना भी काफ़ी ईजी है। सो गाइस यहाँ पे ना अब अगर आप ए पे क्लिक करते हो सो आपके डिवाइस में जितने भी सारे एप्लीकेशंस जो रहेंगे एक ए से जो ए से शुरू होते हैं सो यहाँ पे सभी एप्लीकेशंस शो हो जाएंगे। मीन्स अगर बी पे क्लिक करते हो, बी पे मेरा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, सी पे, सो यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्रोम, क्लॉक, ये सब आना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप ना स्टार पे क्लिक करोगे सो सभी एप्लीकेशंस आ जाएंगे जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल है। सो गाइस यहाँ पे ना आप एक सिंपल और इजी वाला स्टेप मतलब लॉन्चर यूज कर पाओगे जो कि ना देखने में ही नया है और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आता है। सो एक नया क्रिएट कर पाओगे लॉन्चर आपके डिवाइस में एंड नया लुक दे पाओगे। सो गाइस एक बार ट्राई ज़रूर से कर सकते हैं लेटर लॉन्चर। सो गाइस फोर्थ नंबर पे आता है अडेप्टिव कंट्रोल। सो गाइस यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो सिंपल से आपको एप्लीकेशंस को ओपन करना है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे सेटिंग्स एंड कस्टमाइजेशन वगैरह कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पे ना आपको सिंपल स्टेप पे क्लिक करना है, मीन्स इस प्लस वाले आइकन पे। सो गाइस यहाँ पे ना प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपके जो डिवाइस में जितने भी सारे एप्लीकेशंस रहते हैं हाइड वाले या तो फिर जो आपके डिवाइस में जो भी जितने भी सारे एप्लीकेशंस होते हैं सो उस एप्लीकेशन में ना आप कस्टमाइजेशन कर पाओगे लाइक ब्राइटनेस का, वॉल्यूम का। सो गाइस यहाँ पे ना एग्जांपल मैंने यूट्यूब को ले रखा है सो इसे डिलीट करने के बाद मैंने वापस से मैं ऐड कर लेता हूँ। सो इस पर ओके क्लिक कर देता हूँ। सो उसके बाद मैंने गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे नेसेसरी कुछ परमिशन देना है जैसे मॉडिफाई। सो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको इसे कुछ इस तरीके से परमिशन देना है। सो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। सो गाइस इस यूट्यूब पे आप जो भी करना चाहते हो लाइक यहाँ पे ना आपको ऑटो रोटेड मोड, ऑटो ब्राइटनेस ऑफ, डीएनडी मींस डोंट नॉट डिस्टर्ब पे ये चला जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी ब्राइटनेस है वो अभी मीडियम पे है जो सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो गाइस यहाँ पे ना मैं हाई पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव्ड कर लेता हूँ। सो इसके बाद में गाइस अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं ना सो यूट्यूब पे जाने के बाद में कुछ इस तरीके से हाई यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी जो यूट्यूब की जैसे मैंने ओपन किया ना सो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से हाई में ब्राइटनेस बढ़ चुका है। सो गाइस अभी देखो कुछ इस तरीके से। सो गाइस आप ना कस्टमाइजेशन कर पाओगे इस एप्लीकेशन से जैसे ब्राइटनेस या तो फिर वॉल्यूम वगैरह को। सो इसी तरीके से ना आपको काफ़ी सारे और भी एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करिए। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे डिवाइस में जो एप्लीकेशन है ना उस पे आप कस्टमाइजेशन उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो एक बार ट्राई ज़रूर से कर सकते हो। सो गाइस पाँचवें नंबर पे आता है जेस्टर। सो गाइस इस एप्लीकेशन से ना आप शॉर्टकट में क्रिएट कर पाओगे काफ़ी सारे जो आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं जो आप ज़्यादा यूज करते हो मींस जो रेगुलर यूज करते हो। सो यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है एंड गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप इसे किसी भी तरीके से यहाँ पे ना आप लाइक कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। सो एपर पे क्लिक करने के बाद में ना आपको यहाँ पे जेस्टर पे क्लिक करके इसे अलाउ कर देना है। सो यहाँ पे जितने भी सारी परमिशंस है वो आपको दे देना है। सो यहाँ पे मैंने ना होम बटन पे क्लिक रखा है। सो गाइस यहाँ पे ना आपको कुछ जो टेस्ट के लिए ड्राइंग रखना है सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। सो इसके बाद में ना यहाँ पे आप रीड्राइंग भी कर सकते हैं। सो वापस से मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको स्टेप थ्री पे आ जाना है। सो यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद में ना गाइस आप जैसे भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन करके रखोगे लाइक के अब बैक बटन पे, होम बटन पे एंड रिसेंट बटन पे। सो गाइस यहाँ पे ना मैंने होम बटन पे क्लिक करके रखा है, सेट करके रखा है। सो आपको ना सिंपल से थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइप एंड होल्ड करके कुछ इस तरीके से रख देना है। सो यहाँ पे ना वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे ना मैंने इस साइड पे मैंने सिंबल ऐड कर लिया था जो कि इसी तरीके से दिखता था। सो गाइस यहाँ पे सिंपल से आपको टाइप एंड होल्ड करना है एंड स्क्रॉल अप करना है। सो यहाँ पे ना आपको ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से जो मेरा काम प्रॉपर नहीं कर रहे। सो गाइस यहाँ पे ना मैंने होम बटन पे गूगल को भी ऐड करके रखा है। सो गाइस यहाँ पे ना सिंपल स्टेप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका ना जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा।
सो इसी तरीके से ना आप किसी भी एप्लीकेशंस को यहाँ पे शॉर्टकट में क्रिएट कर पाओगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे मैनेज जेस्टर एंड गाइस यहाँ पे लेआउट सेटिंग, सो मैनेज जेस्टर पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी ड्राइंग बना लिया, जैसे वाई बना लिया, सो यहाँ पे ना उस जो कैरेक्टर रहता है फर्स्ट कैरेक्टर उसका फुल नाम दे देना है या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो गाइस इसके बाद में जैसे ड्राइंग करोगे ना वाई, सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे लॉन्च शॉर्टकट में कर सकते हो, लाइक डायरेक्ट कॉल, लॉन्च ऐप, ओपन वेब लिंक, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह। सो गाइस यहाँ पे सिंपल से मुझे एप्लीकेशंस को लॉन्च करना है। सो यहाँ पे मैंने वाई पर वाई मैंने ड्राइंग किया था। सो गाइस यहाँ पे ना मैंने वाई पे देख सकते हैं, जैसे डब्ल्यू पे मैंने व्हाट्सअप किया है एंड टेस्ट पे भी डब्ल्यू। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब में ना मैंने वाई बना के रखा है। सो गाइस इसके बाद में अगर मैं जस्ट इसे लॉन्च करता हूँ, सो इसके बाद में ना मैं यहाँ से यूट्यूब ओपन कर पाऊँगा, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ड्राइंग करना है और यूट्यूब ओपन हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से ना आप इस एप्लीकेशन से किसी भी एप्लीकेशंस को अपना शॉर्टकट में यूज कर पाओगे, जस्ट आपको कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर देना है। सो ट्राई ज़रूर से कर सकते हैं।